हेलो, अगर आप शिक्षक बनने की चाह रखते हैं या नियर फ्यूचर में BA, DL, MED इस तरह कोई भी कोर्स करने वाले हैं या करने की सोच रहे हैं, तो इस वीडियो को कुछ मिनट तक देखिए, क्योंकि एक काम की खबर है। और ये खबर जो है ये प्रभात खबर में छपी थी, है पटना एडिशन में नहीं छपी, इसलिए आज सुबह में छूट गया। मुजफ्फरपुर एडिशन में आप इस खबर को देख सकते हैं। शिक्षक बनने के लिए वर्ष 2030 के बाद अमान्य हो जाएंगे BED की डिग्री। अब ये बहुत वैल्यूएबल खबर है, टाइम बीतते पता नहीं लगता, 2030 आने में भी पता नहीं लगेगा। 2012 के STET पास बहुत सारे लोग 2021 में, मतलब 9 साल बाद भी रुके हुए हैं। तो जो लोग भी BED कर चुके हैं या करने वाले हैं या आगे करने की सोच रहे हैं, वो लोग इस खबर पर ज़रा ध्यान दें कि क्या होने जा रहा है आगे आने वाले कुछ सालों में टीचर ट्रेनिंग के नाम पे। देश में नई शिक्षा नीति बनाई गई है, कई राज्यों में इम्प्लीमेंट भी हुई है। अब उसी से जुड़ी हुई एक खबर है, मैंने पीछे एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये कहा था कि नई शिक्षा नीति को अगर आप पढ़ें तो उसमें किसी सब्जेक्ट की मौज दिखे ना दिखे, कंप्यूटर साइंस की ज़रूर दिखती है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस को मैंडेटरी किया जाना, कंप्यूटर साइंस के कई पार्ट्स को लोअर क्लासेस में पढ़ाए जाने की वकालत करना, इस तरह की चीज़ें नई शिक्षा नीति में मौजूद हैं। तो जो आगे आने वाला टाइम है उसमें बाकी सब्जेक्ट्स का कहना बहुत मुश्किल है कि जैसा अभी है वैसा ही रहेगा और उनका रिक्रूटमेंट का सिस्टम, लेकिन कंप्यूटर साइंस के लिए डेफिनेटली बेटर अपॉर्चुनिटी होगी फ्यूचर में। लेकिन यहाँ पर बात पर्टिकुलरली BED के कॉन्टेक्स्ट में, तो देखिए इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है, इसको मैं पढ़ता हूँ। लेफ्ट साइड में तो जो इसका मेन कॉन्टेंट है, जो हेडिंग था, वो तो आपने देख लिया। BED की डिग्री वर्ष 2030 के बाद शिक्षक बनने के लिए मान्य नहीं रहेगी। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति में केवल ITEP इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम कोर्स करने वाले अभ्यर्थी ही योग्य माने जाएंगे। तो BED और इस तरह के जितने भी कोर्स थे इनको रिप्लेस कर रहा है ITEP नाम का एक कोर्स, जो कि 4 साल का कोर्स है असल में। इसको थोड़ा सा मैं और, क्योंकि इसका जो एंट्रेंस टेस्ट है बहुत जल्दी होने वाला है। NCT की ओर से तैयार इस 4 वर्षीय पाठ्यक्रम में अगले सत्र से ही नामांकन शुरू हो जाएगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त प्रवेश परीक्षा कराई जाएगी। इसमें +2 योग्यता वाले अभ्यर्थी शामिल होंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने ITEP को नोटिफाई करते हुए संस्थान और स्टाफ के लिए मानक भी तय कर दिया है। तो बाकी जो जो हेडिंग है इसको मैं पढ़ देता हूँ। शिक्षक बनने के लिए बेहतर विकल्प, 80% उपस्थिति जरूरी, अटेंडेंस की बात हो रही है। कोर्स करने के दौरान विज्ञान, मानविकी और वाणिज्य संकाय में नामांकन होगा। और राइट साइड में अगर आप देखें तो लैब और लाइब्रेरी सुदृढ़ होंगे, इस तरह की बातें लिखी हुई हैं। तो कुल मिला के कहने का ये मतलब है कि BED का कोर्स, जैसा कि इस अखबार के हिस्से में लिखा हुआ है, अगले साल ही इसका एंट्रेंस टेस्ट होने जा रहा है। तो अगले कुछ सालों में आपको ये कोर्स बिल्कुल गायब होता हुआ दिखेगा और इसके जगह पर एक नया कोर्स आ जाएगा जो कि 4 साल का कोर्स होगा। इसके लिए एंट्रेंस भी होने जा रहा है। तो जितने भी लोग जो टीचर बनने की आस रखे हुए हैं, वो लोग इस खबर पर ज़रा गौर करें, क्योंकि अब सारा सिस्टम जो है वो बदलने वाला है और रिक्रूटमेंट का सिस्टम भी बदलेगा। उसको भी नई शिक्षा नीति में काफ़ी हद तक यूनिफॉर्म करने की कोशिश की गई है। तो अभी के लिए यही सारी बातें थी, बाकी आपका जो भी ओपिनियन हो, क्योंकि मुझे लगा कि ये खबर बहुत बड़ी खबर है, बहुत सारे लोग बहुत उम्मीद से अलग अलग तरह के जितने भी ये टीचर ट्रेनिंग वाले कोर्स हैं इनको करते हैं। जिन लोगों ने कर रखा है उनका वैलिड है, उनको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगले कुछ सालों में अगर वो लोग एडजस्ट हो जाते हैं, जॉब पा जाते हैं, तो उनका वैलिड रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका डेडलाइन दिया हुआ है 2030 का, इस बात को भी ध्यान में रखना है। और अब ये कोर्स ख़त्म होने जा रहा है, इस बात को भी गौर करके रखना है। तो अभी के लिए यही है, आगे बिहार में शिक्षक बहाली या STET से जुड़ी हुई कोई भी खबर आई तो आपको अपडेट करेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।